आपको दबाना है ये सब्सक्राइब बटन और फिर इस घंटी को दबाना है जिससे कि आप मेरी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें और आपकी कोई भी वीडियो ना छूटे। वीडियो के नीचे इस तीर को दबाने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है जहां पर मैंने एक लिंक दिया है जिसे दबाकर आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो गाइज आज हम बनाने वाले हैं सूजी का केक जो कि खाने में बहुत यमी है, हेल्दी है और ईजी भी है। तो इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स मेरे यूज़ हुए हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं, आप वहाँ जाके बिल्कुल देख सकते हैं। तो अगर ये आपको पसंद आती है मेरी वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है कर्ड यानी कि दही हाफ कप और इसको हम मिला लेंगे। इसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं होनी चाहिए। ये ली है मैंने पाउडर शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी। चीनी को आप मिक्सी में पीस के पाउडर शुगर बना सकते हैं। तो इसे धीरे धीरे मिलाइएगा वरना उड़ के ये आपके मुंह पे लग जाएगा, कप पाउडर शुगर से पाउडर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो गया है, हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ये लिया है मैंने हाफ कप, आप चाहे तो इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसको हल्का सा मिला के अब मैंने इसमें डाला है मैदा हाफ कप। ये ली है सूजी यानी कि सेमोलिना रवा, ये लिया है हमने 1.5 कप। और इसको बहुत धीरे धीरे मिलाना है गाइस, जल्दी जल्दी नहीं मिलाना है वरना जो हमारा केक बन के तैयार होगा वो ऊपर से टूट जाएगा जो कि देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप ऑयल में ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं या कोई भी ऐसा ऑयल यूज़ कर सकते हैं जिसमें स्मेल ज़्यादा नहीं आती है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तो अब धीरे धीरे हम इसको मिला रहे हैं गाइस और ये लगभग मिल गया है हमारा। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क और जो टोटल मिल्क हमें इसमें डालना है वो है 1 कप + 1 टेबल स्पून। तो हम धीरे धीरे करके इसमें अपना मिल्क ऐड करेंगे जिसे हम इसे अच्छे से मिला सकें। और गाइस ध्यान रखिएगा जो सूजी मैंने यहाँ पे यूज़ की है वो बारीक सूजी लेनी है, और अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप मिक्सी में पीस के बारीक सूजी तैयार कर सकते हैं। और ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, ऐसे 20 मिनट के लिए हमें रख देना है जिससे कि सूजी फूल के तैयार हो जाए। अब हम अपना केक टिन तैयार कर लेंगे। नीचे लगाया हमने ऑयल और उसके ऊपर लगा लिया हमने अपना पार्चमेंट पेपर यानी कि बटर पेपर। ये हमने लिया है कुकर और इसमें लिया है हमने सफ़ेद नमक जो खाने में यूज़ होता है 1 कप से 1.5 कप। और ये इसके ऊपर रिंग रख लिया है। अब इसे हमें मीडियम यानी कि मध्यम आंच पे 10 मिनट के लिए कुकर को बंद करके सीटी हटा देनी है और रबर हटा के 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है इसको। और तब तक हम भी देख लेते हैं जो हमारा बैटर हमने रखा था 20 मिनट के लिए वो तैयार हो गया क्या फूल के। जी हाँ, ये तैयार हो गया है और इसमें हम अपना बचा हुआ जो मिल्क है वो ऐड कर लेंगे। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं वनीला एसेंस जो कि हम बढ़ा देगा इसके टेस्ट को दुगना। आप अगर पूछेंगे कि ये डालना ज़रूरी है कि नहीं, ये डालना ज़रूरी नहीं है, इसके बिना भी आप केक बना सकते हैं बट इससे टेस्ट दुगना हो जाता है गाइस। तो बेटर है कि आप इसको अरेंज करिए और अपने केक के टेस्ट को बढ़ा लीजिए। तो अब हम इसे मिक्स कर लिया इसको हल्का सा और अब डाला है हमने बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून और जल्दी से इसको मिला लेंगे। अब ध्यान रखिएगा ये चीज़ हमेशा आपको फॉलो करनी है कि धीरे धीरे ही इसको मिलाना है। अब हमें लग रहा है कि बैटर की कंसिस्टेंसी अभी भी पतली है तो जो बचा हुआ हमने मिल्क रखा हुआ था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हमारी कंसिस्टेंसी इसकी सही हो गई है। तो अब हमारा कुकर भी गर्म हो गया है तो अब इस बैटर को हम अपने जो ग्रीस किया हुआ है केक टिन है उसमें हम इसको ट्रांसफ़र करने वाले हैं। उससे पहले इसमें डाल देते हैं टूटी फ्रूटी, आप चाहे तो इसमें बादाम, किशमिश या फिर काजू, जो भी आपका मन हो वो डाल सकते हैं। अब अपने केक के बैटर को इसमें स्लोली स्लोली ट्रांसफ़र कर लेंगे और आप देख सकते हैं इसमें बबल्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो इसे ट्रांसफ़र करने के बाद इसे थोड़ा सा हिला लेंगे, थोड़ा सा चम्मच से इसको फ्लैट कर लेंगे जिससे कि इसका सरफेस अच्छा लगे, प्लेन लगे। और अब इसके ऊपर फिर से हम डालेंगे टूटी फ्रूटीज जिससे कि देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया आप अपनी मन का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इसे रखेंगे हम कुकर के अंदर, बहुत जल्दी ये प्रोसेस करना है,
अंदर रखना है और स्टार्टिंग के 10 मिनट आपको इसे मीडियम आंच पे पकाना है, बेक करना है, और उसके बाद 30 मिनट के लिए आपको इसे लो से थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेम पे बेक करना है। तो मैंने 30 मिनट बाद कुकर को खोल के देखा, तो मैंने इसमें चाकू डाल के देखा तो ये मुझे कच्चा लगा। मैंने फिर से इसे बंद करके 5 मिनट और पकाया है, और 5 मिनट के बाद फिर से मैंने इसके अंदर चाकू डाल के देखा है, तो मैंने चाकू डाल के देखा तो मेरा चाकू इस बार क्लीन निकला है यहाँ पे, तो हमारा केक रेडी हो गया है। तो इसे टोटल में 40 मिनट लगे हैं, तो अब हम इसकी साइड को लूज कर लेंगे चाकू की हेल्प से। और देखिए गाइस, आप देख ही सकते हैं कि कितना सॉफ्ट रेडी हुआ है, जबकि ये हमारा सूजी से बना हुआ है। तो चलिए मैं आपको इसे काट के दिखा देती हूँ और थोड़ा सा खा के भी दिखा देती हूँ। हाँ, मुझे पता है आप नहीं खा सकते हैं, पर यार थोड़ा सा चिढ़ाना तो बनता है गाइस, राइट? तो देखिए गाइस, कितना ज़बरदस्त, बेहतरीन और हमारा हेल्दी केक रेडी हुआ है। तो गाइस, इंजॉय कीजिए इस केक को और अपनी फैमिली के साथ खाइए, इंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय बाय।